हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल संदीप कुमार हेयर स्टाइलिस्ट। आज फिर एक नए हेयर स्टाइल के वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम बताने वाले हैं स्प्रे नॉलेज के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर कौन से स्प्रे बेस्ट होता है, कौन से कंपनी का बेस्ट होता है, इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आप कौन से हेयर पे कौन सा स्प्रे यूज कीजिएगा, कौन से कंपनी का बेस्ट होता है, किसका होल्डिंग पावर कितना है, किसका होल्डिंग पावर कम होता है, शाइन स्प्रे क्यों यूज करते हैं हेयर पे, उसका क्या फायदा है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। करने से पहले ये बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सा स्प्रे बेस्ट होता है। हेयर स्प्रे में हम आज हेयर स्प्रे के नॉलेज के बारे में बता रहे हैं। इसमें बेसिकली दो टाइप से हेयर स्प्रे होते हैं, एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल, एक होता है नॉन फ्लेक्सिबल। जैसे आपको समझा दें, फ्लेक्सिबल स्प्रे क्या होता है और नॉन फ्लेक्सिबल स्प्रे क्या होता है। सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर फ्लेक्सिबल क्या होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल क्या होते हैं। फ्लेक्सिबल स्प्रे वो स्प्रे होते हैं जो कि अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हो, ओके, उसके ऊपर आप ये हेयर स्प्रे यूज कर दिए, अगर हमारे क्लाइंट को, क्लाइंट क्या करती है, पहले हेयर स्टाइल बन गया, बाद में उसको अगर पसंद नहीं आया तो बोलेगी कि सर या मैडम इसको चेंज कीजिए, तो उसके बाद हम ऑन द स्पॉट चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो फ्लेक्सिबल स्प्रे होता है, ये ऐसा स्प्रे है कि पूरे हेयर स्टाइल बनने के बाद, इसको स्प्रे कर देने के बाद, अगर क्लाइंट बोल रही है ये हेयर स्प्रे मतलब ऐसा हेयर स्टाइल नहीं चाहिए हमें, तो हम उसको वापस से कॉम करके फिर से हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। हमारा हेयर क्या होता है, नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए हम फ्लेक्सिबल स्प्रे का यूज करते हैं। अब होगा ये नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल वो स्प्रे है जो कि अगर पूरे हेयर स्टाइल क्रिएट हो गया, अगर हमें वो हेयर स्टाइल को चेंज करके कोई और हेयर स्टाइल क्रिएट करना हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हो जाएगा लेकिन हमारे हेयर में वो टेक्सचर नहीं रहेगा ताकि हम फिर से वो क्रिएट कर जाए, नेचुरल खत्म हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा फ्लाइटलीजी हेयर हो जाएगा, तो वो होता है हमारा नॉन फ्लेक्सिबल स्प्रे। इसके बारे में बता रहे हैं कि कौन सा फ्लेक्सिबल स्प्रे कौन कौन से होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल कौन कौन से होते हैं, इसी के बारे में आज हम बताएंगे। बताया है कि फ्लेक्सिबल स्प्रे कौन होता है, नॉन फ्लेक्सिबल। आपका फ्लेक्सिबल स्प्रे में ओसिस प्लस स्पार्कल, यहाँ पे हम प्लस वन दिए हैं, ये हमारा होल्डिंग फैक्टर है। होल्डिंग फैक्टर एक्चुअली होता क्या है कि उसका होल्डिंग पावर कितना है। जैसे कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब माना जाता है कि 10 तक मतलब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ये जो जीरो लेवल पे होगा ना, 0, 1, 2, 3, 4 तक माना जाता है, ये हमारा क्या होगा, शाइन स्प्रे होगा, ओके। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सब का होल्डिंग पावर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब ये शाइन स्प्रे में चला जाएगा। इसके ऊपर के जितने भी स्प्रे आएंगे उसका होल्डिंग पावर ज्यादा है, जितना नंबर कम होगा उतना उसका होल्डिंग पावर कम है। अगर वन नंबर है तो होल्डिंग पावर उसका कम है, मतलब शाइन ज्यादा करेगा, होल्ड कम करेगा, क्योंकि उसका पावर क्या है, वन है। अगर दो नंबर का होगा अगर तो आपको क्या करेगा, वो भी शाइन करेगा, होल्डिंग कम करेगा। ऐसे ही 3, 4, 4 के बाद माना जाता है कि 5 नंबर से जितने भी स्प्रे आते हैं, जो भी 5 होगा, होल्डिंग फैक्टर 5 है उसका, मतलब उसका होल्ड ज्यादा होगा। 6 होगा उससे ज्यादा होगा, 7 होगा उससे ज्यादा होगा, ऐसे ही अलग अलग टाइप से हमारे आते हैं। जो भी 4 से पहले होगा वो शाइन स्प्रे, 4 के बाद होगा वो हार्ड स्प्रे या होल्ड स्प्रे बोलते हैं उसको, ओके। अब इसमें क्योंकि स्प्रे मार्केट में आप जब भी जाते हैं तो बहुत सारा टाइप्स का स्प्रे आपको देखने को मिलता है, और हम बोर्ड पे उतना जगह नहीं है कि सारे स्प्रे का लिख दे, तो हम स्प्रे के बारे में बता दे रहे हैं कि कैसे पहचान करते हैं कि कौन सा स्प्रे बेस्ट होता है, कौन सा स्प्रे बेस्ट नहीं होता है, कौन सा स्प्रे आपका फ्लेक्सिबल होगा, कौन सा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इसी के बारे में। तो हम कुछ स्प्रे का नाम लिखे हैं जिससे आप मार्केट में जाकर पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये स्प्रे हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल होगा, ये स्प्रे जो है फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ओके। जैसे ओसिस प्लस स्पार्कल, ये हमारा ओसिस प्लस का स्पार्कल है, इसका पावर यहाँ पे लिखे हम प्लस वन, ओके, यहाँ पे वन नंबर पावर भी लिखा हुआ है। ये ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे है, ओके, इसको शाइन स्प्रे भी बोलते हैं क्योंकि इसका होल्डिंग पावर क्या है, वन।
अभी हम बताए हैं कि जिसका होल्डिंग पावर 1 होता है, मतलब वो क्या है जाए शाइन स्प्रे होगा। ये ओनली फॉर हेयर पे शाइन के लिए, किसी भी हेयर को शाइन के लिए आप ओसिस प्लस का ये शाइन स्प्रे यूज कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत ज्यादा फ्लाई फ्रीज हेयर है तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा शाइन स्प्रे हो गया। सॉस कॉप कंपनी का आता है, हर जगह मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप लोग को नहीं भी मिल रहा है तो हम वहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ओके, देन दूसरा स्प्रे है पी स्प्रे। पी स्प्रे ये भी सॉस कॉप ब्रांड का है ये। ओके, ये सॉस कॉप कंपनी का है पी स्प्रे, इसका नाम ही है पी, मतलब प्रोफेशनल स्प्रे। इसका क्या है, होल्डिंग फैक्टर 5 है, मतलब इसका होल्डिंग पावर 5 है। इसको किसी भी स्प्रे पे करेंगे तो हमारा होल्ड कर जाएगा। और ये क्या है, हमारा फ्लेक्सिबल है, मतलब कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के बाद अगर उसको चेंज करके किसी और हेयर स्टाइल को क्रिएट करना हो तो हम ये स्प्रे इजी यूज कर सकते हैं। ये इससे हेयर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो भी नेचर फॉर्म में हमारा हेयर था उस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, देन तीसरा है स्टाइल फिक्स। स्टाइल फिक्स जो स्प्रे आता है ये है हमारा न्यू कंपनी का। न्यू कंपनी का स्प्रे आता है, ये भी बहुत ही अच्छा स्प्रे है जो कि हमारा स्टाइल फिक्स के। इसका होल्डिंग फैक्टर सबसे ज्यादा है, +7 है, +7 होल्डिंग फैक्टर है। आपको ये भी मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका फैक्टर 7 है, मतलब इसका हमारे पी स्प्रे से भी ज्यादा इसका होल्डिंग फैक्टर है। ओके, हमारा क्या है उसके बाद स्टे स्टाइल, इसका होल्डिंग फैक्टर है +3। ये बेला कंपनी का आता है। ओके, बेला कंपनी का भी स्टाइल स्टे नाम से आता है, उसका होल्डिंग फैक्टर +3 है, मतलब इसके अपेक्षा क्या है उसका होल्डिंग फैक्टर कम है, लेकिन क्या है वो हमारा फ्लेक्सिबल स्प्रे है। फ्लेक्सिबल मतलब हम कोई भी हेयर स्टाइल को क्रिएट करके फिर से दूसरा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ओके, हम नॉन फ्लेक्सिबल स्प्रे पे, नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या होता है। इसमें आता है टाफ्ट ब्लैक, ये हमारा टाफ, ये भी सॉच कॉप ब्रांड का ही है। इधर भी स्प्रे हमने फ्लेक्सिबल बताया था सॉच कॉप कंपनी का, इधर भी सॉच कॉप का ही है, पर दोनों में डिफरेंस है। हम बताएंगे लास्ट में कि आखिर क्यों, ये भी एक ही ब्रांड का है, ये भी एक ही ब्रांड का है, तो ये क्यों नॉन फ्लेक्सिबल है, वो क्यों फ्लेक्सिबल है। जैसे इसमें देखिए, ये ब्लैक है, ब्लैक हमारा टाफ ब्लैक +5 नंबर होल्डिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या लिखा है, +5 नंबर होल्डिंग फैक्टर, मतलब ये +5 है, ये भी होल्ड करेगा। इसका और ये हमारा सॉच कॉप पी का, दोनों का होल्डिंग फैक्टर 5 ही है, पर ये एक क्या है नॉन फ्लेक्सिबल है, ये क्या है फ्लेक्सिबल है। तो इन दोनों का यूज बताएंगे हम कैसे करेंगे। सेकंड में आते हैं हम ब्लू, यही टाफ का सेम ब्लू भी आता है आपको, उसका होल्डिंग फैक्टर 6 होगा। इसका रेड भी आता है, +4 है, +4 मतलब ये शाइन स्प्रे में चला जाएगा, मतलब ये आपका नॉन फ्लेक्सिबल होगा। शाइन स्प्रे में भी ये क्या होगा, नॉन फ्लेक्सिबल होगा, मतलब वो शाइन नहीं करेगा जो ये आपका ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे करता है। ओके, अब आता है नोवा गोल्ड, ये है नोवा गोल्ड का स्प्रे। इसका होल्डिंग फैक्टर है हमारा +4, इसका +4 है, लेकिन ये शाइन स्प्रे नहीं है, होल्ड स्प्रे, यहाँ पे लिखा भी होगा लॉन्ग लास्टिंग सुपर होल्ड, क्योंकि ये ऐसा स्प्रे है क्योंकि तुरंत होल्ड कर लेगा हमारे हेयर को। नॉन फ्लेक्सिबल ये भी है, इसको हेयर को करके फिर से दोबारा से हम कोई हेयर स्टाइल क्रिएट नहीं कर सकते। चौथा यहाँ पे कैरिंग स्प्रे, जिसका होल्डिंग फैक्टर +7 आता है, ये होता है लिक्विड में। आपको लिक्विड में भी स्प्रे आता है अलग अलग, जितने भी लिक्विड स्प्रे होंगे वो सब नॉन फ्लेक्सिबल ही आते हैं। वो एक ऐसा स्प्रे है, अगर मान लीजिए कि कोई क्लाइंट आपसे बोल रही है कि सर या मैडम हमारा कर्ल्स या कोई भी हेयर स्टाइल नहीं टिक रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको चाहिए, जैसे फंक्शन सुबह का है उसको रात तक हेयर स्टाइल चाहिए, तो ये सारा हेयर स्टाइल से क्या होता है कुछ समय बाद नेचुरल फॉर्म में आने लगता है हेयर। लेकिन ये कैरिंग स्प्रे क्या होता है, लिक्विड में होता है, इसको एक बार स्प्रे कर दीजिए तो वो शाम तक आपका, सुबह में अगर हेयर स्टाइल बनाया तो शाम तक वैसे ही के वैसे ही रहता है हेयर स्टाइल, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये इतना हार्ड होता है कि उसके बाद अगर आप चाहें तो दोबारा हेयर स्टाइल क्रिएट नहीं, डायरेक्ट वॉश करने के बाद ही हेयर स्टाइल क्रिएट करना पड़ जाएगा अगर लिक्विड वाला कोई यूज कर रहे हैं तो। इसका होल्डिंग फैक्टर 7 है, इसमें भी आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल नॉन फ्लेक्सिबल, इसमें भी होल्डिंग फैक्टर +7 है, इसमें भी +7 है, दोनों तो सेम ही चीज है। ये भी आपका स्टाइल फिक्स, ये भी लिक्विड में ही आता है हमारा, और ये भी लिक्विड हमारा क्या है
स्टाइल फिक्स में प्लस 7 है, ये भी प्लस 7, दोनों लिक्विड ही आते हैं, पर एक हमारा फ्लेक्सिबल है एक नॉन फ्लेक्सिबल है। आपको पहचान कैसे करना है, इजिली आपको पहचान तो ऐसे नॉर्मली भी हो जाएगा। ये सारे कॉस्टली स्प्रे हैं और ये सारे चीप रेट में हैं, आपको मतलब कम प्राइस में इजिली मार्केट में, कंपनी आपको सेम ही मिलेगा पर क्या है इसका प्राइस कम है इसलिए इसकी क्वालिटी कम बनाई गई है। जैसे ये टाफ्ट का और ये पी स्प्रे, ये दोनों की होल्डिंग फैक्टर 5 ही है, पर ये क्या है हमारा क्विक होल्ड है और ये क्या है आफ्टर टाइम बाद ये आपको होल्ड करेगा। मतलब जैसे ही आपको कोई क्रिएट किए हैं, जैसे कोई लाइन ही क्रिएट किए हैं, अगर इसमें कोई लाइन क्रिएट कर रहे हैं, ओके, अगर लाइन क्रिएट करने के बाद हम कोई भी सेक्शन को पुल किए ऊपर की तरफ, ओके, पुल करने के बाद इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे ये अपने फॉर्म में ही होल्ड हो जाएगा, ओके। और ये टाफ का जो आपका 5 नंबर का होल्डिंग फैक्टर है ये कुछ समय बाद होगा, ये क्विक होल्डिंग है और ये क्विक होल्डिंग नहीं है, बस यही फर्क है इन दोनों में। ये इसका लगभग मार्केट में 2000 के आसपास आपको मिल जाएगा और ये 250 के आसपास मिलता है। ऐसे आपको कोई भी चीज़ परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम सबका लिंक दे देंगे, आप लोग परचेज कर सकते हैं, ओके। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। अगर कोई भी मार्केट में किसी भी अच्छे ब्रांड का लेना हो तो सॉचकॉप बहुत ही अच्छा कंपनी का है, जिसमें आपका जो भी चाहे वो छोटा स्प्रे हो बड़ा स्प्रे हो, फ्लेक्सिबल हो नॉन फ्लेक्सिबल हो, अच्छा वर्क करता है। और हेयर स्प्रे से हमारा कोई भी हेयर डैमेज नहीं होता है, उसको अच्छे से प्रिपरेशन अगर हम करें तो हमारा कोई भी हेयर डैमेज नहीं होता है। कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के समय कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर इसके बारे में जानना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो इस पे बनाएंगे कि कैसे हम कोई भी हेयर स्टाइल को प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। आज का तो वीडियो यही रहा कि कौन सा स्प्रे अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है। अगर हम रिकमेंड करें तो आप लोग 2 स्प्रे कम से कम आप ले सकते हैं, अगर चीप रेट में लेना हो उसिस प्लस का शाइन स्प्रे ले सकते हैं एक, और एक टाफ्ट का ब्लैक ब्लू कोई भी ले सकते हैं होल्डिंग के लिए। अगर बजट अच्छा हो तो आप ये पी स्प्रे ले सकते हैं, ये बेस्ट है, ये स्प्रे सबसे अच्छा है, आप लोग ले सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी हेयर स्टाइल में दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, अगली टॉपिक उसी पे बनाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।